देश की सबसे बड़ी अदालत ने पटाखे फोड़ने के मामले पर सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह दिवाली से पहले सुनवाई से इनकार करने का मतलब है कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली, छठ समेत सभी त्योहारों पर अगले आदेश तक पटाखों पर बैन लागू रहेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में पटाखा खरीदने, बेचने और आतिशबाजी करने पर भी रोक है। इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए बताया था कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि दीपावली पर दिए जलाएं, पटाखे नहीं फोड़ें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांग खारिज किए जाने से पहले गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में DPCC यानी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा दिए गए फैसलों को चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। इससे पहले ग्रीन पटाखों के बेचने की अनुमति देने के अनुरोध की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है, लिहाजा हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। दरअसल दिल्ली के 50 से अधिक लाइसेंसधारी व्यापारियों ने ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सभी प्रकार के पटाखों के भंडार और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि NGT के फैसले के मद्देनजर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकती है और यहां तक कि पटाखों के स्टॉक को भी शहर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि NGT ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।